अभी 2-3 दिन पहले छोटे भाई से लड़ाई हुई थी, पीछे से पकड़ लिया था और उसके साथ जो है लूटपाट कर रहे थे। एक ने पीछे से कमर कोलिया भर रखी और दूसरे जो है इसकी जेब टटोल रहा, तो इसने हल्ला मचा दिया चोर चोर, तो इनमें मार लगा दी मुसलमान को। मोमना ने बुलंदशहर में बदमाशों का कहर लगातार जारी है। जनपद पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके हत्यारे, एक के बाद एक जनपद के अलग अलग स्थानों पर हत्याकांड की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद के खुर्जा से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्यारा मौके से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने की वजह से SSP मैफोर्स के घटनास्थल पर पहुंच गए और घटना की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मेरा नाम मुकेश दीक्षित है। ये अभी 2-3 दिन पहले छोटे भाई से लड़ाई हुई थी, और लड़ाई कुछ नहीं थी, उसे चकला वाली गली में पीछे से पकड़ लिया था और उसके साथ जो है लूटपाट कर रहे थे। एक ने पीछे से कमर कोलिया भर रखी और दूसरा जो है इसकी जेब टटोल रहा, तो इसने हल्ला मचा दिया चोर चोर, तो इनमें मार लगा दी मुसलमान को में। अच्छा। और उसके बाद में ये लौंडा मोहल्ले में कह रहा था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। आज इन्होंने वहाँ गोवर्धन मंदिर के पास आके चाकू मार गए, झड़ थी ना इतनी में मुझे पता पड़ी है, मैं तुरंत गया हूँ इसे लेके जहाँ आया हॉस्पिटल। लगभग 2-3 लड़के थे वाले मोहल्ले के, पड़ोस के मोमना ने एक चाकू से कमर में पीछे फाड़ रखा लंबा और एक यहाँ बार मारा, इस जगह कंडीशन खत्म है। ये खुर्जा नगर में लगभग 53 वर्षीय पवन दीक्षित नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है, चाकू की चोट पहुंचाई गई थी। पवन दीक्षित अविवाहित हैं और इनका परसों इसी बगल के मोहल्ले में रहने वाले सलमान नाम के लड़के के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें इन लोगों ने सलमान की पिटाई कर दी थी। यद्यपि इस बात की सूचना लोगों ने थाने आदि पर कहीं किसी को दिया नहीं था, और आज उसी के प्रतिशोध में उसके द्वारा इनके साथ चाकू की घटना की गई, इनकी मृत्यु हो गई है। 3 टीमें गठित करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मौके पर मौजूद हूं, परिवार के लोगों से मेरी बात हुई है और प्रयास किया जा रहा है कि रात में ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाए। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह के अनुसार घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रानीवाला चौक की है, जहाँ आरोपी सलमान ने चाकू से गोद कर 53 वर्षीय पवन दीक्षित की निर्मम हत्या कर दी। SSP के मुताबिक हत्यारोपी और मृतक के बीच 2 दिन पहले विवाद हुआ था और मृतक पवन दीक्षित ने हत्यारोपी सलमान की पिटाई की थी, जिसके चलते आरोपी सलमान ने बदले की भावना से देर शाम इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे डाला। तो वहीं इस हत्याकांड के बाद SSP का दावा है कि 3 टीमें गठित कर हत्यारोपी की तलाश की जा रही है और बहुत जल्द हत्यारोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तरफ मृतक की मौत से जहां इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। Time 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।